हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, भले चंगे होंगे। ये वाला दुपट्टा मैंने आज उड़ा इस वाले सूट पे, और अभी हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो पूजा मैंने कर ली है और बस भैया के आने का वेट कर रहे हैं, फिर निकल जाएंगे। मैं एक चीज ही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। हर जगह एक औरत को ही परीक्षा देनी होती है कि अगर मर्द की कोई जिम्मेदारी नहीं होती किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की, या उसका कोई फर्ज या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, तो फिर उस इंसान का, अगर जो इंसान अपनी जिम्मेदारी ना समझे, अपने काम अपने कर्तव्य से भागे, मैं उसे इंसान नहीं मानती। मैं इतना ही मानती हूँ, मैं जो भी करूँ अच्छा करूँ, भगवान उससे प्रसन्न हो। और मैं हर एक चीज़ को, जिसको बोलता है कि औरत नहीं कर सकती, यही कहती हूँ भगवान से, मुमकिन को नामुमकिन कर कर दिखाऊँ कि ये सोच है कि औरत कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है एक अकेली औरत अगर अपनी पाए तो, ठीक है ना। पर मैं यही बोल लूँगी कि भगवान मुझे इतनी हिम्मत इतनी ताकत दे कि मैं हर मुसीबत से लड़ सकूँ, हर चीज़ का समाधान, समस्या मैं झेल लूँ, हर समस्या से मैं निकलूँ, मतलब कुछ ना कुछ राह मुझे दिखाता रहे भगवान, बस रात दिन यही दुआ है। अभी मैं किसी ऐसे काम के लिए जा रही हूँ जहाँ आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ है ना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ मैं। गायब जा रहा है स्कूल में ऑटो में बैठ के। मैं तो टांग रखा, टांग मैंने जरा रखा मासी को, ठीक है स्कूल में धरा मेरे तो। अभी हमने यहाँ से जाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है, तो पहले दो कट्टों का, रेते वाले कट्टों का मुंह बांध लिया। भैया बोले ऑटो वाले कि इनका जो है ना मुंह बांध लो, ऐसे तो ये खिंड जाएंगे, तो रेतों का कट्टों का मुंह बांध के यहाँ पे छोड़ दिया। और अंदर की साइड रखे हुए हैं सीमेंट के कट्टे, तो दो कट्टे सीमेंट के रखने हैं। वैसे तो एक ही कहा था मिस्त्री ने, पर दो लेके जाएंगे, पता नहीं कभी कमी लग जाए, किसी ना किसी चीज़ की कमी लग जाए, तो एक तो वापसी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कमी लग गई तो फिर कैसे लेके जाऊंगी, कोई ऐसी सुविधा नहीं है मेरे पास में। देखो घर की सब चीज़ होते हुए भी मतलब ना होने बराबर है, हमारा ट्रैक्टर है, बुग्गी है, ट्रॉली है, पर वो मेरे किसी काम की नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है मुझे इस चीज़, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी मैं सारे काम ऑटो से ही कर रही हूँ। कोई बात नहीं, जो है अच्छे के लिए है, और कहने के लिए तो वह परिवार का सबका है, हमारा ट्रैक्टर जो है वो मतलब साझे का है, और बस नाम सबका और काम किसी एक का वाला होता है। हमारे घर में ये सब चीज़ें चलती है, बरतने के लिए एक ही, और ये सब लोग नाम के लिए ही हैं बस खाली, कि हाँ सबका है। और बस ऐसा भी नहीं है कि आज देवताओं का काम है कि मतलब भाई ट्रैक्टर होते हुए भी हम लोग ऑटो में सामान ढो रहे हैं कि एक झटके में एक बार सारा सामान चल जाता, पर नहीं। चलो जो भी है ठीक है, इस बात को छोड़ते हैं, करा नहीं है मुझे किसी के से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे अभी जो है ना बड़े वाले जो भाई साहब हैं, उनका लड़का आ चुका था, पहले मैं रखवाई थी भाई के साथ में, फिर उनका लड़का आ गया, फिर उसने रखवाया कि लाओ आंटी जी मैं रखवा देता हूँ आप रहने दो, बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो हम लोग जो है ना फाइनली घर से निकले, देवताओं पर ही जा रहे हैं मन मन, तो हम लोग है ना खेत में जा चुके थे, घर से कम 1 किलोमीटर दूरी पर खेत पड़ता है, तो इसी वजह से ऑटो करी थी और कुछ सामानों की वजह से। तो अभी मैं खेत पे पहुंच चुकी हूँ, तो जिसको खेत दे रखा है उसने है ना चारों साइड रस्सी बांध के रखी हुई है, क्योंकि है ना बछड़े वगैरह घुस जाते हैं और फिर ईख खाते हैं, काफ़ी नुकसान करते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने सेफ्टी करके रखी हुई है। तो रस्सियों के जोड़ मैं खोल रही थी यहाँ पे, खेत में पहुंच चुके थे, रेत के और सीमेंट के कट्टे तार दिए थे। दोबारा से फिर से ऑटो लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। ये मेरे बड़े वाले जो भाई साहब हैं उनका घर है, इन्होंने मकान बनाया है अभी नया, पीछे से अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है, आगे का इस साइड ये देखो खुली गैलरी छाप दी है, एक कमरा बना दिया आगे, पीछे अभी नहीं बनाया, धीरे धीरे ही बनता है। देखो एक दिन में तो मकान नहीं बनता है, 1 मिनट में, टाइम लगता है हर चीज़ में थोड़ा सा। तो यहाँ पे यहाँ से इंटी उठानी है, इस वजह से यहाँ पे ऑटो खड़ी हुई है। अब दो बारा फिर लेके आए थे ना, अभी इंटी लेके आए हैं, वही उतार रहे हैं, मिस्त्री उतार रहा था और ये ऑटो वाले भैया ही उतार रहे थे, जो मतलब साथ में जिनकी भी ऑटो लेकर आई थी, इन्होंने भी काफ़ी हेल्प कराई बेचारे भैया ने। मैं बोल रही थी कि मैं उतरवा दूंगी, बोला कि नहीं रहने दो आप, मैं उतरवा देता हूँ। देखो एहसान हो जाता है इस काम, ऐसे काम में तो ना सब आगे बढ़ के सहयोग करते हैं और सब साथ देते हैं, बस साथ नहीं देते तो अपने, जिनको हम ये मानते हैं कि ये हमारे अपने हैं, वही अक्सर ये चीज़ करते हैं कि जो साथ नहीं देते, और जिनके हैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये मानो कि उनके नहीं है, बस मेरे ही है सब कुछ, मैं ही, मुझे ही करना है, मेरी ही जिम्मेदारी है। चलो मैं इस चीज़ से भी नहीं भागती हूँ। दोबारा फिर से घर आई मैं, और बाल्टी, तसला, फावड़ा ये वगैरह ये चीज़ मिस्त्री ने मंगाई, और रेते के कट्टे दो और मंगाए, वो लेने के लिए मैं दोबारा फिर से घर आई हूँ।
और यहाँ पे मैं दीदी को बोल रही थी कि फावला, वो बोल रही कि निखिल लेके जा चुका है और तसला भी ले जा चुका है। एक तसला मैं भी लेके जा रही थी, एक बाल्टी में लेके जा रही थी। और अभी हम लोग खेत में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत टाइम पहले वीडियो में देखा होगा कि मैंने ना 5 इंटियाँ जो है गंगा जल में धो के इनको यहाँ स्थान दिया था जब मैं बीमार हुई थी बहुत। तो यहाँ मिस्त्री जो है ना चारों साइड का घास साफ़ कर रहा है। ये चादर मैं इनको उठा के गई थी, मैं उतार के नहीं लेके गई थी। और आज मैं इसको फ़िलहाल जो है यहीं अभी रख दिया, इंटी रोनी शुरू कर दिया मिस्त्री के पास में, क्योंकि मिस्त्री मट्टी सार कर रहे थे। कह रहे कि आप है ना इंटी ला के डाल दो यहाँ, फिर मैं अपना काम जो है वो चालू कर दूंगा। तो मैं और निखिल दोनों, मतलब मेरा बेटा लगता है जेठ का लड़का है, मेरे जो बड़े भाई साहब हैं उनका लड़का है, हम दोनों जने लग चुके थे। कायरव ने आज बैग टांग रखा है, बस स्कूल जा रहा है। तो इसको पता चला, फिर हम लोग खेत में आए हैं, मम्मी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तब क्या बना रहे हैं। देखो कितने ऊंचे पे, मतलब इन्होंने ढलाव रखा है कि जिससे पानी भी ना जाए और थोड़ा स्थान भी ऊंचा हो। तो यहाँ पे है ना मिस्त्री जी जो है इंटी जमाने स्टार्ट कर दिए उन्होंने, सारी नई इंटी लगेंगी, इसमें पुरानी इंटियों का इस्तेमाल नहीं होगा। देवताओं के काम में सारी नई इंटी लगती है। तो अभी फ़िलहाल काम चालू हो चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ से मेरे पे तो ज़्यादा नहीं जा रही थी, अभी एक रस्सी बंधी थी नीचे की साइड, दो दो इंटी में लेके जा रही थी। एक में थोड़ा सा आँख नाक चीरने का डर रहता है, एक के पत्तों में आँख नाक चीर रहे थे बार बार। पर देखो कुछ भी हो, जब काम करने आए हैं तो अपना काम करेंगे। और भगवान की दुआ से मैं ठीक रही, बिल्कुल मेरे सर में दर्द नहीं हुआ। पर भूख बहुत तेज लगी थी, हम लोग सुबह के निकले हुए थे, आप लोग समझ ही सकते हो यार, भूख का टाइम होता है, भूख लगने लगती है, काम करके तो अक्सर बहुत भूख लगती है। और ये रास्ता जो है ना बहुत चलता है। अपनी यहाँ खड़ी हुई वीडियो शूट करी थी क्योंकि हम लोगों ने कायरों को अंदर ही बैठा के रखा हुआ था। मैंने कहीं बैठा के रखो बेटा, बहुत सड़क चल रही है, क्योंकि वो रुकता नहीं है कहीं में बिल्कुल भी, वो इधर उधर भागता है, उसको वहीं बैठा के दिखा रही थी मैं। यहाँ पे देखो जैसे अपनी शूट करी थी, गाँव के बाबा जी थे शायद, जेठ लगते होंगे मेरे रिश्ते में, वो अपनी की तरफ को कर लेते ऐसे कि वीडियो बना रही है। और ये भी परिवार के ही हैं, ट्रैक्टर भी परिवार वालों के जा रहा है, इधर सबके खेत हैं। तो कोई ना कोई आ जाए ना खेत पे, जो जा रहे थे वही पूछ रहे थे कि क्या करा रहे हो, देवता बनवा रहे हो क्या, क्या करवा रहे हो, पूछते ही हैं सब लोग देख के। देखो अभी कायरो भी मिस्त्री जी की हेल्प करा रहा था, बहुत ज़्यादा मंडरा, मतलब मिस्त्री के साथ में पूरा मन लग रहा था। अभी जो है ना सीमेंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसकी तैयारी कर दो। सीमेंट बनाने के लिए बोला था, तो यहाँ पे है ना 4 कट्टे रेत बोला है और 2 कट्टे सीमेंट के, इनको डाल दो भाई बना लो। हमने सोचा था कि मिस्त्री बनाएगा, हम लोगों को कहाँ बनाना आता है, पर मिस्त्री ने कहा कि बनाओ तुम, पानी उन्हें डाल के बाद में मैं अपने आप सेट कर दूंगा, तुम फिलहाल ये काम करो जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो मैं और निखिल दोनों लग गए थे, तो अभी हम लोग है ना रेत डाल रहे थे। हमने थोड़ा ना रास्ते से हट के इस साइड को ही डाला था कि क्योंकि बीच में सड़क चल रही है, थोड़ा रास्ते में ठीक नहीं लगता। तो 2 कट्टे जैसे 1 कट्टे पे ना पा ना 2 निकला, तो फिर दूसरे वाला भी रट लिया हमने मिस्त्री से पूछ के। 2 कट्टे रेत के हमने डाल दिए और 1 कट्टा हमें सीमेंट का डालना है। तो यहाँ पे हम सीमेंट का कट्टा जो है खोलने की कोशिश कर रहे थे। कायरव बाबू का आज बैग नहीं उतरा अभी तक, ना जर्सी निकली। वैसे ठंड अभी है ना, हवा सी चल रही थी, मैं कह रही थी कि मैं जर्सी निकाल दूँ, अभी नहीं निकालना, मैं काम कराऊंगा, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा, लगा पड़ा था मतलब हमारे साथ में, कभी कुछ कर, कभी मिस्त्री की बिसोली उठा के लाया, कभी फंटी उठा के ला। आज तो इसने पूरा वो कर रखा था, पूरा मज़ा आ रहा था, मन भी लग रहा था बहुत, सही बताऊँ ना, इसकी मस्ती भी चल रही थी। और टाइम कब निकला पता ही नहीं चला अपने काम के उसके चक्कर में। अभी यहाँ पे निखिल जो है ना रेत में थोड़ी जगह कर रहा था कि आंटी जी रेत में थोड़ी जगह कर देता हूँ, फिर उसके बाद सीमेंट डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ना चक्कू, कोई ब्लेड वगैरह कुछ भी नहीं हम लोग ले रहे थे, हम सोचे थे कि धागे से ही खुल जाएगा सीमेंट का कट्टा, धागे से नहीं खुल रहा था। दाँ भी लेकर आई थी मैं, मिस्त्री ने दाँ भी मंगाया था कि पेड़ के जो है 2-4 डाले नीचे को होंगे उनको झांकने के लिए, दाँ भी लेके आना। तो यहाँ पे हमने जो है ना सीमेंट का कट्टा दाँ से ही कट्टा, फिर क्या करते, यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, आप लोग समझ ही सकते हो, ये काम मर्दों के हैं, जो लेडीज कर रही है तो इतना चीज़ें नहीं पता होता हमें क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। फिर भी है ना देखिए काफ़ी हद तक जो है खड़ौंचा मिस्त्री जी ने तैयार कर चुके हैं, हमने अब सीमेंट रेत वगैरह सब एक जगह डाल दिए थे। वही कह रहे थे कि मैं अपने आप है ना इसको कर लूँगा, तुम दोनों पानी ले आओ। यहाँ पे पानी लाने के लिए ना यहाँ पे आसपास में कहीं मुझे ट्यूबवेल नहीं पता है या नहीं है, पर फिलहाल जो है लाइट भी नहीं आ रही थी, बंद ही होंगी जहाँ तक उम्मीद है। और ये दोनों चीज़ें मिक्स कर दी फिर निखिल ने ही, रेत और सीमेंट। ये देखो कायरों को मुट्ठी भर भर खेल रहा था, मुट्ठी भर भर फेंक रहा था, खेल रहा था, कपड़े इतनी बुरी तरह से डाल लिए, बहुत बुरी तरह मैंने हटाया भी कितनी बार, फिर रोता है, बच्चा है उसको भी देखना, काम भी करना, वही सारी चीज़ें।
यहाँ पर अभी बस जो मतलब बहुत लोग घास लेके कोई खेत में कुछ काम करने जा रहा निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, सब पूछे थे कि क्या काम करा रहे हो, क्या करा रहे हो। भाई पूछते ही हैं सब लोग, खेत में लग रहे हैं आज, पता नहीं क्या करा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो एक के एक दो मेड़ा छिदा करके निकलने के लिए थोड़ी सी जगह करी थी, जगह नहीं थी बिल्कुल भी, वो स्थान भी साफ़ करा। और अभी मैं और निखिल जो है पानी लेने के लिए जा रहे थे, मैं दोनों बाल्टी घर से उठा लाई थी। मुझे पता था कि पानी जो है यहाँ से कम आधा किलोमीटर आगे नल है सरकारी, वहाँ से आएगा, तो दो बाल्टी तो चाहिए, एक मैं ले आऊँगी, एक निखिल ले आएगा। दोनों बच्चे यहीं पर बैठे, तो मैं अपनी को बोल रही थी कि यहीं रहना, भैया का ध्यान रखना, अभी मैं पानी लेके आती हूँ। अभी मैं जा रहे हैं पानी लेने के लिए, आगे जो है भाई साहब का लड़का जा रहा, अब एक बाल्टी मैं ले ली। तो यहाँ से काफ़ी दूर मतलब सरकारी नल है, आसपास में कोई ट्यूबवेल भी नहीं है ऐसी जो हम यहाँ से पानी भर लें, तो थोड़ी सी दूर से ही लाना पड़ेगा सीमेंट बनाने के लिए। चलिए लाते हैं भाई। निखिल बड़ी बाल्टी भर के लेके चल दिया और दूसरी बाल्टी मैं लेके चलती हूँ। एक बाल्टी निखिल ले गया, एक बाल्टी मैं लेके जा रही, बल्कि वो कह रहा था कि आंटी जी मैं आ रहा, मैं कहती चल कोई बात नहीं मैं लेके आ रही। अभी यहाँ पर मैं और निखिल जो है ना पानी की बाल्टी लेकर पहुँच चुके थे। मिस्त्री को बोल रहे थे कि भाई पानी तुम डाल लो, बाकी का काम हमने कर ही दिया। तो देखिए एक मजदूरी करना भी इतनी आसान बात नहीं है, लोग कह देते हैं कि मजदूरी करते हैं करते हैं, मजदूरी करने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक पैसा बहुत मेहनत का होता है मजदूर लोगों का। तो किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भाई मजदूरी में तू क्या वो करता है, मजदूरी करने से कुछ वो नहीं होता, नहीं भाई बहुत मेहनत का पैसा, एक एक रुपया जब आदमी कमाता है। यहाँ पर मैं ना जल ले रही थी, सबसे पहले मैंने जल का छींटा लगाया और फिर जो है सतिया बनाया, और दोनों स्थानों में सतिया बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इधर बना रही हूँ जल का छींटा लगा के, देवताओं का जो है निर्माण चालू हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें करके मीठा और हल्दी और चून का वो लगा के भोग लगा के, मतलब सत्या बना के फिर भोग लगा के मैंने हाथ जोड़े, और जो नाग नागिन का जोड़ा जो देवताओं की नींव में रखा जाता है वही मैं रखने जा रही थी। अभी आप लोग बताइए हमने सही किया या गलत। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हमसे कोई चूक हुई है, पर जो हुई है तो भाई भगवान माफ़ करना। मैं तो अपने सारे जो रीति रिवाज है वो सबको पूरा करके अपना काम चालू करवा रही थी, और यहाँ पे मिस्त्री जी जो हैं वो कह रहे थे कि मैं अपना काम चालू करता हूँ, बस अभी सीमेंट वगैरह बना के ले आए। तो काफ़ी टाइम यहाँ पर लगने वाला है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। जितना भी लगेगा आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी सारी वीडियो, वीडियो पूरी देखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और कैसा लगा आपको ये सब काम, कैसे लगे हमारे देवता, सब चीज़ें मुझे कमेंट करके बताना। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और फाइनली काफ़ी अच्छी धूप निकल आई है, और अभी बजे हैं 10:30-11 का टाइम हो रहा है, और हम लोग 9:30 बजे के आए हुए हैं, 9:30-9 बजे हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, तो इतने बन चुके हैं। और अभी भैया जो है लगे हुए कह रहे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इनको सेट करने में बहुत टाइम लगता है, एक दो देवता जो है ना बनने लग रहे हैं। आपको एक बात मैं बता दूँ, मिस्त्री जो है ना देवता बनाने लग रहे हैं, तो मुझे ये पता था कि नाग नागिन का जो है ना एक ही जोड़ा रखा जाता है, एक ही मतलब ये नहीं पता था कि दो देवता बनेंगे तो दो जोड़े, मुझे एक का ही पता था, मैं एक ही लाई थी। फिर अभी मिस्त्री जी ने बताया कि दो जोड़े रखे जाते हैं, अगर दो बनते हैं दो, तो मुझे तो ये पता था कि मकान की नींव में एक रखते हैं, यहाँ पर भी एक ही रखा जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दो रखे जाएंगे। तो अभी एक के लिए, अब जब मैंने जो जेठ का लड़का मेरे साथ लगा हुआ था उसको भेजा कि भाई जा तू ले आ जाके, मैं मिस्त्री देवता छीनने लग रहे उनका स्थान वहाँ पर छोड़ दिया, एक को बैठा के स्थापित करके और चिनाई शुरू कर दी, दूसरे वाले आके अभी रख देंगे। भाई देखो जब बड़े हों घर में बताने वाले तो पता होता है चीज़ों का, जब घर में बड़े जो हैं वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह फेर के बैठे हैं और उन्हें कुछ बताना नहीं, तो फिर मुझे इतना नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम ये चीज़ कर रही हूँ। मैं ये कहूँगी देवता क्षत्रिय अगर कहीं कोई भूल चूक हो तो उसे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए बनवा लेते हैं, फिर मिलते हैं।
बन चुके हैं, चौकी बननी बाकी है और मिस्त्री जालियां खाना खाना है। मिस्त्री को भूख लग रही, हम यहाँ कर रहे हैं इंतजार। अभी हम एक सीमेंट का कट्टा है ना यहाँ पे फालतू है, जो घर वापिस जाएगा उसको ले जाने के लिए ऑटो वाले को फ़ोन कर रहे थे। कोई सा ऑटो वाला होगा, बच्चों को भूख लग रही, मुझे भी, हम भी कुछ खा लेंगे, फिर बस चौकी चौकी रह जाएगी। वो तो भाई बनवा देगा, मतलब बेटा बनवा देगा जेठ का लड़का, और बस मेरा काम इतना था कि मैंने बनवा दिया उनका स्थान, चौकी वो बनवा के चला जाएगा। और फिर जो बाजार का है थोड़ा बहुत वो कर लाऊंगी मैं कल परसों में, देखती हूँ। तो फिलहाल हम लोग घर चलाएंगे कट्टा लेके। इस कट्टे का ऐसा मामला है कि यहाँ छोड़ के जाएंगे, कभी कोई मतलब वही उठा के ले जाए, सड़क पे है ना एकदम। अभी यहाँ पर है ना ऑटो आ चुकी थी सुबह, दो बार एक भाई की ऑटो आई, फिर दोबारा फिर एक दूसरे भैया थे उनकी ऑटो लेके। मैं कुछ सामान रोड़ी लानी थी और जो है कुछ इंटियाँ लानी थी, फिर उनकी दूसरी ऑटो में लाई। दो बार तो सुबह एक भाई ने किया, फिर एक बार दूसरे भाई ने किया, और अब ये है ना चौथी बार ऑटो आ रही है। और ये सीमेंट का कट्टा घर लेके जाना है। मैं आपको बताऊं, इन लोगों का बहुत सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का, इन्होंने मेरी भी हेल्प की बेचारों ने। जब भी मैंने जिसको भी कॉल की, वही ऑटो वाला भैया आ गया एकदम और हेल्प करने के लिए। तो देखो ये बहुत बड़ी बात होती है कोई हमारी हेल्प के लिए खड़ा हो। वैसे एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, और कोई किसी का करो या ना करो, ऑटो वालों को अगर कुछ बोलें तो वो हेल्प करते हैं। कितनी बार मैं सिलेंडर लाई हूँ तो बहुत बार मेरी हेल्प की है। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी थी और मैं कैंपर में पानी भर रही, और अभी यहाँ पर मैं ना घर पहुँच चुकी थी। जैसे कैंपर में पानी भर लिया, उसके बाद मैं अपना किचन साफ़ कर रही थी। पता नहीं यार, मेरा मन सा नहीं मानता, अगर मेरा किचन का स्लेप है ना गंदा हुआ रहा तो उसे जब तक मैं क्लीन ना कर दूँ, या सुबह मैंने साफ़ करा था तो मैं भाई इस पर बहुत धूल सी जम रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मैंने गीला कपड़ा मारा, फिर मैंने सूखा कपड़ा मारा, मेरा मतलब जो है मन सा ख़राब हो जाता है देखते जरा सी किरकल। मैं जितनी बार गैस पर काम करती हूँ उतनी बार साफ़ करती हूँ, स्लिप को भी बार बार साफ़ करती हूँ, और मुझे लग रहा था बार बार कि गंदा हो रहा, मतलब मुझे एक कुरकुरी सी हो रही थी, बेचैनी सी। मैं आके भी आराम नहीं किया, मैं अपना शुरू हो गई आते के साथ अपना खाना वाना बना के बच्चों को खाना पीना दे के मैं अपने इसी काम में लग गई कि मुझे है ना अपना किचन साफ़ करना है, एक एक सामान हटा के मैंने ना अच्छे से पोछा लगाना है। तो वही मैं कर रही थी, आते कैंपर ऊपर भर के रखा, पानी नहीं था कैंपर में, ख़त्म हो रहा था। दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे, गुस्सा आ रहा था, चिल्ला रही थी कि वैसे ही परेशान हूँ, अभी खेत से आई हूँ, रोटी बनाई है, फिर खेत में जाना पड़ सकता है, तुम लोग इस तरह मत ना लड़क रहो, उनको डांट रही थी थोड़ा सा, और साथ के साथ किचन भी साफ़ कर रही थी। देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है, इधर से साफ़ हो गया ना तो अलग ही दिखाई देता है। देखो कितनी चमक मारती है, इस पन्नी की एक बात है, जितना इसको साफ़ करते हैं उतनी ज़्यादा ये चमकती है। और वही बात हुई जो मैं सोची थी, अभी हम लोगों को फिर से खेत में जाना पड़ रहा है, क्योंकि चौकी अधूरी रह गई थी। जो भाई साहब का लड़का है वो ट्यूशन पढ़ा रहा है बच्चों को, और मिस्त्री की कॉल आई कि यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेला कैसे करूँ। और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। फिर खैर एक ऑटो वाले भैया और मिल गए, उनको बोला कि आप हमें खेत तक छोड़ दीजिए प्लीज़। और हम फाइनली खेत में आ चुके, तो देखो हमारे देवता जो है ना बन चुके हैं, और इनकी चौकी रह रही है जो आप लोगों को मैं बोल रही थी। बीच में मिस्त्री जी चले गए थे खाना खाने, उन्होंने बोला कि मैं एक घंटे का आ रहा हूँ। मैंने उससे बाद में जब हम अधूरा काम रह गया था आगे का सारा छोड़ के चले गए थे, इतने हम आए तो ये सारा कम्प्लीट हो चुका था। ये देखो बहुत बहुत सच में है ना, बोलते हैं कि ऐसे नहीं बोल रहे, बहुत सुंदर लग रहे हैं देवता बनके, और काफ़ी अच्छा स्थान मतलब उनको ग्रहण हो चुका है, हमने करा दिया। अपनी जान में तो मैं नहीं जानती कि मैंने कोई कुछ वो चूक की है, पर अगर कोई चूक है कोई गलती है तो माफ़ करना, मैं आपकी बच्ची हूँ, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, और जो भी पता है मैंने अपने हिसाब से अच्छा किया। अब हम दोबारा आए हैं यहाँ पे जो है देवताओं पे, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं था आने के लिए, तो अब आ रहे था जब हमारे लिए, जब से हम बाढ़ देख रहे मिस्त्री फोन कर रहा था, कि यहाँ पर कोई नहीं है, फिर हम लोग यहाँ आ गए, अब आ रहे हैं इसके तब जब से हम बाढ़ देख रहे थे मिस्त्री फोन पर फोन। चलो जो भी है अपना करवाऊँगे सस्ता है, अरे तो अच्छी बात है। हम लोग खेत में आए, जैसे ही हम आके उतरे तो इतने भाई साहब आ गए, जब से मिस्त्री कॉल कर रहा था कि यहाँ पर कोई नहीं है, फिर हम लोग आ गए ऐसे ही, इसके पीछे इसके जो है बच्चों के ताऊ आ चुके। हमने कहा चलो आ गए तो कोई बात नहीं, अब तो करा देंगे, नहीं तो हम कराते अपने आप। फिर हम लोग बैठे रहे कि हम लोग अभी नहीं जाते, बाद में ही जाएंगे जब कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ना इंटी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, मिस्त्री कहते कि इंटी ख़त्म हो चुकी है, रोडी डाल देता हूँ और इनका ऊपर से मैं मतलब जो है कि इनको सेट कर दूंगा, अब चिंता मत करो। मैं पूछी थी कि अगर चाहिए तो भाई इंटी फिर से लाऊं, उनको नहीं, दो बार तो ऑलरेडी मैं ला चुकी थी इंटी, तीसरी बार भी ले आऊँगी।
मिस्त्री ने बोल दिया कि नहीं रोडी बिछा के है ना, मैं ऊपर से इस पे सीमेंट डाल दूंगा, काम हो जाएगा, अभी इंटी लाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 80 इंटी एक बार लाए, 30-35 इंटी एक बार लाए, तो अंदाज़ा हम लोगों को नहीं है। मिस्त्री ने ज़्यादा बोला था, फिर हम दूसरे बार के में थोड़ी कम लाए कि एक्स्ट्रा ना आ जाए, और जो है इतना ज़्यादा पता नहीं ना हमें इन चीज़ों का। अगर एक बार इकट्ठी बताते कि 150-200 इंटी आनी है तो एक बार इकट्ठी ले आते, बीच बीच में बहुत दिक्कत रही है, एक सामान को बार बार लेने जाना पड़ा, दो दो बार तीन तीन चक्कर लगे उसको, मतलब वो दिक्कत नहीं है, उठवाने वाले की दिक्कत थी, कोई इकट्ठे रखवाने वाला नहीं था, कोई मतलब साथ में नहीं था, तो अकेले को थोड़ा सा वो महसूस हो रहा था। पर फिर भी भाई मैंने ना अपना काम अपने तरीके से गाइड कर ही लिया, ऐसी बात नहीं, और सब अच्छा अच्छा हो गया। तो देखो अभी यहाँ पर है ना जो चौकी बोलते हैं वो सेट कर रहा था, इतनी बड़ी चौकी मैंने बनवा दी है कि दो आदमी बैठ के आराम से पूजा कर सकते हैं चौकी पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अभी हम लोग है ना देवता बन चुके थे, हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मिस्त्री अपने सामान वगैरह उठा रहा था, बाल्टी वगैरह एक तसला यहाँ पर रखा, फावला वगैरह वो भाई साहब उठा के ला रहे थे। यहाँ पे एक पन्नी पड़ी हुई थी जो मैं लेके आई थी, बच्चे जो है ना ये कह रहे थे कि लौटना है, मम्मी थक गए, अब नहीं लौटने के लिए बार बार वो कर रही थी, तो मैं ये पन्नी लेके आई थी। तो इसके ताऊजी पूछे थे कि इसको लेके जाना है छोड़ के जाना है, मैंने कहा इसको यहीं छोड़ दो ना, कभी ढकनी उकनी पड़ जाए। तो यहाँ पे मिस्त्री जो है अपने सामान धो रहे हैं, बस अभी हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे, घर पहुँच के आप लोगों से बात करती हूँ। दोबारा हम खेत में गए थे और अभी हम घर आ चुके हैं, सर में दर्द हो रहा, कुछ बर्तन तो साफ़ कर दिए, तो कुछ बर्तन बीच में ही छोड़ गई थी, अभी साफ़ करती हूँ। तो आज है ना मैं आपको बताऊँ कितनी परेशानी मुझे उठानी पड़ी, 4 बार तो ऑटो गई है, मतलब 2 बार तो सामान गया, फिर उसने कहा मिस्त्री ने, फिर रोडी वोडी का कट्टा चारा फिर गई, फिर पता नहीं देते तक जा फिर गई, और अभी एक बार फिर गई, 5 बार ऑटो गई है, 5 बार ऑटो गई, मतलब मैं 5 बार के ना सामान वामान पहुँचा वहाँ से, केली भी इतनी परेशानी पड़ी बहुत। और अब फिलहाल फिर गए थे ना, मतलब हम जब 5 बार अब जा, क्योंकि वहाँ पर भाई साहब तो थोड़ा लेट पहुँचे, निखिल जो है वो ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा था, दोपहर तक था वो, फिर उसके बाद नहीं रहा, नो पापा जाऊँगे भाई लेट हो गए, मैं इधर से चली गई, फिर थोड़ी देर पीछे भाई साहब पहुँच गए। और जिस दिन मैं इसमें बता दूँ, भाई साहब ने तो ईंट दिए हैं और 100 रुपये दिए हैं, और जो पास वाली चाची जी हैं उन्होंने 200 रुपये दिए हैं, और जो है मतलब हिस्सा तो परिवार में कई घरों का, और किसी घर से कुछ नहीं आया। मैंने मांगा नहीं, ये बात मुझे पहले ही पंडित ने बोल दी कि मांगना तुझे नहीं है, जो कोई देगा वो ले ले, तो जिससे इसने जो भी दिया ठीक है, इन पर जितना भी बढ़ा, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि बाकी का जितना कुछ भी हो रहा है सब मैं खुद से ही कर रही हूँ, और मैं ये नहीं मान रही कि मैं उसे कर रही हूँ तो मुझे किसी चीज़ का आह्वान हो रहा है, वो रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि मैं भगवान नाम पर सब चीज़ लगाने करने के लिए तैयार हूँ, पर कोई ऐसा नहीं है जो साथ में खड़ा होकर कुछ करा सके, मतलब ये काम तो साथ में परिवार के सभी खड़े हो जाते हैं कि भाई दही देवता बनने हो तो सबके बराबर होते हैं, पर इस चीज़ का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैंने टोटल काम खुद पर अपनी जिम्मेदारी पर उठाया था, आगे का काम भी मैंने अपनी जिम्मेदारी पर लिया था, मैं किसी का वो नहीं करती कि कोई देगा या कोई करवा होगा, वो चले गए बस, ये बड़ी बात है। सास और हस्बैंड ने बोल दिया था कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है किसी भी चीज़ में देने के लिए, कि है ही नहीं, मैंने कहा कि हम उनके सामान लाऊंगी तो उनको है ही नहीं, फिर काम इस तरह का है ही नहीं, देवता बने के टाइम नहीं, ये चीज़ें सुनने के लिए मिली, तो बस अब मैं ना टोका टाके कुछ नहीं करना चाहती।